विधानसभा क्षेत्र कटंगी खैरलांजी के लोकप्रिय जननेता प्रशांत भाऊ मेश्राम का 42वां जन्मदिन उनके समर्थकों ने बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर जगह जगह विविध कार्यक्रमों का आयोजन किए गए, खासतौर पर पौधारोपण किया गया। इन कार्यक्रम में प्रशांत भाऊ ने पहुंचकर केक काटकर अपने समर्थकों का आभार जताया। प्रशांत मेश्राम के जन्मदिन पर कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिखला बांध, भौरगढ़, कुमली, मीरकपुर, तिरोड़ी, बोनकट्टा, महकेपार में उनके समर्थकों ने विशेष कार्यक्रमों के आयोजन किए थे। बता दें कि प्रशांत भाऊ अपने सामाजिक कार्यों और राजनीतिक गतिविधियों के चलते जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके हैं, जिसके चलते उनके समर्थक बड़े बड़े नेताओं की तरह उनके जन्मदिन का जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। क्षेत्र में तेजी से बढ़ती उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरा दिन सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म में उनके समर्थक और अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी उन्हें बधाइयां प्रेषित करते हुए नजर आए। बता दें कि प्रशांत भाऊ आगामी विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की पूरी तैयारी में है। वो जनता के बीच काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं से मेल मुलाकात कर कटंगी से विधायक पद का टिकट के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी की नारी सम्मान योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए वृहद स्तर पर अभियान छेड़ रखा है, महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। जब कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, तब भी प्रशांत मेश्राम उनके समर्थकों के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा वह लगातार भाजपा की नीतियों को लेकर हमेशा मुखरता से अपनी बात रखते हैं। सामाजिक कार्यों के साथ राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय प्रशांत भाऊ आज जनता का लोकप्रिय चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। पुरुषों के साथ साथ वह महिला मतदाताओं के बीच भी अपनी जड़ें बना चुके हैं। प्रशांत भाऊ ने अपने जन्मदिन पर तमाम समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि उनसे मिले प्यार और स्नेह का अभिभूत हूं। वह शाम को प्रशांत भाऊ मेश्राम और खलील भाई, संजय चौक से रजनीश नकासे, सुमित दुबे, प्रशांत हुमनेकर, सुरेंद्र गजबिये, अकू अग्रवाल, रविन्द्र मेश्राम, मोहन डोंगरवार, मितेश कुमरे, नवदीप चुरहे, प्रेम नेवारे, कपिल नागदेवे, प्रेम नेवारे, अरविंद खरे, ओम प्रकाश उइके, योगेश डोंगरे ने शहर के एक सरकारी अस्पताल का शुभारंभ भी किया। कावे दीदी उस तरफ जाओ। भैया थोड़ा सा क्यों ना बोली भाव थोड़ा पीछे रखो। वो बिल आपका आधा हो जाएगा और जो गैस सिलेंडर है वो प्रतिमा आपको 500 रुपये मिलेगा, नहीं अभी 1150 रुपये में मिल रहा है और 1500 रुपये प्रतिमा। और इसके साथ साथ किसानों के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई है, गवर्नमेंट सरकार आएगी तो सरकार उस विभाग को उतना ज़्यादा फायदा तो ये इसके काम आप सभी लोग करें, ऐसा नहीं कि वो योजना से इसका कोई ये नहीं, कमलनाथ की सरकार बनने के बाद योजना का नाम खराब वो सभी लोगों को मिलेगा जो नारी सम्मान। मैं काम जब बाकी के पास समझूंगा यहाँ पे काम को सभी लोग भरे और अधिक से अधिक अपने जितने लोग हैं सबसे काम करवाए ताकि नारी सम्मान योजना का फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिले, है ना। आप सबका निवेदन है और आपने आगे जो समय दिया है जन्मदिन के अवसर पर आप सबने अपना कीमती समय निकाल करके मेरे जन्मदिन को मनाया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है इसके लिए हम धन्य हैं आपके, आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।